नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं सेबी प्रमुख माधवी बुच को लेकर। आपको याद होगा कि सेबी प्रमुख माधवी बुच पिछले कई महीनों से बिल्कुल विवादों के अंदर हैं। उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कई किस्तों में बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के या ये कहें कि जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को फ्लाउट करने का आरोप है। उनके ऊपर ये भी आरोप है कि दरअसल वो अडानी को, जिनके ऊपर हिंडनबर्ग से लेके कई रिपोर्टों में गंभीर आरोप लगे हैं, उनको वो बचा रही हैं। और चूंकि उनको वो बचा रही हैं इसलिए केंद्र सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। इस बीच जेपीसी की एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने माधवी बुच को अपने कमेटी के सामने पेश होने के लिए उनको समन इशू किया। माधवी बुच को उनके सामने पेश होना था लेकिन अंतिम समय पर वो पेश नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सांसद इसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं और वो एक तरीके से अगर उनकी कार्रवाई को देखें तो ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि माधवी बुच किसी भी तरीके से कमेटी के सामने पेश हो। ऐसे में तीन गंभीर सवाल हैं। एक सवाल तो यही है कि सेबी चीफ माधवी बुच क्यों नहीं संसदीय समिति के सामने पेश हुई। दूसरा सवाल यह है कि माधवी बुच को बीजेपी क्यों बचा रही है। तीसरा सवाल, बुच को बचाने के पीछे बीजेपी की मंशा क्या है और क्या हकीकत में बीजेपी और सरकार बुच के बहाने अडानी को बचाने में लगी हुई है। ये गंभीर सवाल है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्र और तमाम चीजों के जानकार संजय कुमार सिंह, साथ ही साथ लंबे समय तक संसद कवर करने वाले, संसदीय समिति की कार्रवाइयों पर नजर रखने वाले जावेद अंसारी साहब, और थोड़ी देर हमारे साथ जुड़ेंगे विनोद अग्निहोत्री। संजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जब कमेटी उनको बुलाती है और माधवी बुच आखिरी समय में नहीं पेश होती है। बीजेपी पहले से अगेंस्ट में थी, उनको बुलाने के अधिकार पे ही था कि उनको बुलाया जाए कि नहीं और समिति उनको बुला सकती है कि नहीं, इसी सब पर था। और बीजेपी क्लियर थी कि नहीं बुलाया जा सकता है, बुलाया नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर उन्होंने बुलाने पे हाँ कह दिया और फिर नहीं आई अंतिम समय में, तो वो उनकी रणनीति है। और उनको नहीं आना था, वो नहीं आई, और इसलिए नहीं आई कि बीजेपी नहीं चाहती है कि वो प्रेजेंट हो। बीजेपी अगर वो प्रेजेंट होती तो तमाम बातें हो सकती थी, जो कम से कम खबर तो होती और बीजेपी को खराब रोशनी में डालती। लेकिन बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि वो प्रेजेंट हो, अभी इतनी ही बात है, और इसलिए वो प्रेजेंट नहीं हुई और बीजेपी उनको बचा रही है। ये तो पहले से भी था, अभी भी है, तो नया कुछ नहीं हुआ जो कि उनके आने से या प्रेजेंट होने से हो सकता था। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए उनसे कहा गया होगा या उन्होंने तय किया होगा कि मुझे जाना ही नहीं है। अब जाने, जब यही मुद्दा बना दिया गया है कि उनको बुलाया जा सकता है कि नहीं, समन किया जा सकता है कि नहीं, तो नहीं जाने का तो उनको अधिकार मिल ही गया था एक तरह से। अब वो सब बाद में सेटल होगा, तो इसलिए उनके पास ये आसान रास्ता उनको दिया गया था कि वो नहीं आए, और उन्होंने उसका फायदा उठाया। अभी तक तो मुझे इतना ही लगता है। आशुतोष जी, आवाज़ जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हुए हैं और जिस तरीके से कमेटी ने पेश किया, कमेटी ने उनको समन किया है, क्या आपको लगता है देर से उनको पेश होना ही पड़ेगा या नहीं? नहीं, उनको तो सिर्फ इसी आरोप पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसका है, और उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो ये प्रूव हो गया कि वो अपना काम नहीं कर रही है चाहे कारण जो हो। और हिंडनबर्ग ने जब ये आरोप लगाया कि उनके कनेक्शन है, तो वो सब तो बात की बात थी। तो कनेक्शन है इसलिए नहीं करे, या आप अपने पद का दुरुपयोग करके आपको जो काम करना है वो नहीं करे, बात एक ही है। तो उनके खिलाफ एक्शन तो सिर्फ इसीलिए होना चाहिए था कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किसका। लेकिन वो कार्रवाई कैसे कर दी जब उसी के सवाल पर राहुल गांधी को की सदस्यता चली गई, महुआ मोहिता को परेशान किया गया, संजय सिंह को जेल जाना पड़ा, वगैरह वगैरह। तो वो उनको करना नहीं था,
और इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो अब उन्होंने क्यों नहीं किया ये मुद्दा है, उनको करना तो नहीं ही था, और उनको सजा या उनके खिलाफ कार्रवाई तो इतने भर के लिए होनी चाहिए थी, और ये तो प्रूव्ड है। मैंने अगर सहारा के खिलाफ केस था और सेबी के इंक्वायरी में सहारा को ट्रक भर के कागज भेजने पड़े, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई पूछताछ कोई इंक्वायरी की ऐसी कोई खबर ही नहीं है, या अदानी का क्या जवाब है उस पर ये सब कुछ पता ही नहीं है। तो कुल मामला ये है कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं और उसको छिपाया जा रहा है, और उसके लिए ये सब कुछ जरूरी है। तो कुल मिलाकर के मामला बुरी तरह फंसा हुआ है, जिसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ भी बोला जाए तो कुछ नई जानकारी निकल के आएगी, और ये सब मीडिया का काम था, जो मीडिया को कर देना चाहिए था कर देता, तो मीडिया ने भी नहीं किया। जो अब राहुल गांधी ने शुरू किया है करना और उसके 2-3 वीडियो आए हैं, वो अलग चीज है, लेकिन बेसिकली माधवीपुरी बुच अपने पद पर रहते हुए उनका जो काम है वो उन्होंने नहीं किया, और इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। वो सिर्फ एक ही मामले में प्रूव्ड है, बाकी रिलेशन वगैरह जो हिंडनबर्ग ने बाद में लगाए आरोप और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जो नए आरोप लगे वो सब तो बहुत बात की भी, उसको तो छोड़ दीजिए। सिर्फ एक पर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसका मतलब कि उनको वहां उसी के लिए बैठाया गया है, और कैसे कैसे बचाया जा रहा है वो अलग है, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि कैसे कैसे वो बचती रही या उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ वगैरह वगैरह। देखिये अब ये जो मसला है, दरअसल ये मसला फिर बड़ी तेजी के साथ उठा है क्योंकि राहुल गांधी ने अब इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी ने दरअसल एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें माधवी बुच के ऊपर गंभीर बातें उन्होंने कही हैं, और इस वीडियो में वो दरअसल जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा उनको एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि दरअसल माधवी बुच के ऊपर क्या गंभीर आरोप हैं और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला यहाँ बनता है। इस वीडियो को राहुल गांधी ने रिलीज किया है, साथ ही साथ राहुल गांधी ने एक अपने ट्विटर हैंडल पे बाकायदा एक पिन भी किया है कि अडानी बचाओ सिंडिकेट। तो एक ये विपक्ष का राहुल गांधी की तरफ से बहुत तगड़ा हमला माधवी बुच पर है, माधवी बुच के बहाने ये गौतम अडानी पे है, और गौतम अडानी के बहाने दरअसल नरेंद्र मोदी के ऊपर ये हमला है। अब जावेद भाई, पहला सवाल तो है कि राहुल गांधी इस मौके पर फिर क्यों सवाल को खड़ा करने की कोशिश करें, क्या महाराष्ट्र चुनाव से इसका लेना देना, पहला सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि क्या कोई व्यक्ति जिसको कमेटी समन करे, क्या वो मना कर सकता है कि हम कमेटी के सामने नहीं आएंगे? जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, पार्लियामेंट्री कमेटीज कैसे फंक्शन करती हैं, मुझे तो नहीं लगता। और अगर पास का प्रेसिडेंट देखें, आपको याद होगा आशुतोष जी, जब पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनी थी बोफोर्स पे, तो विंड चड्ढा को समन किया गया था और विंड चड्ढा को वहां आना पड़ा था, पार्लियामेंट एनेक्से में उसकी मीटिंग हुई थी, मैं तब अदना सा रिपोर्टर था, लेकिन मैं भी वहां खड़ा घंटों खड़ा रहा, ये उनको कवर कर, उनके उनकी एंट्री और एग्जिट और इनके डेपोजिशन को वहां कवर करने। तो कितने दिन वो इसको अवॉइड कर सकते हैं मुझे नहीं, अगर बिल्कुल बेहियाई पे, ब्रेजननेस पे आ जाएं और सारी परंपराएं और सारे कानून कायदों को अगर आप ताक पे रख दें, तब तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, उसको आप कैसे फ्लाउट कर सकते हैं? और फिर अगर ये होगा तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर जो और कमेटियां हैं उसमें जिसको जो जिन कमेटी में सरकार के लोग जैसे निशिकांत दुबे हैं, एक कमेटी को हेड कर रहे हैं वो, अगर किसी या जगदम्बिका पाल हैं वक्फ वाली कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो लोगों को समन करेंगे वो भी नहीं आएंगे, जाइए आप, फिर तो ये पंगू हो जाएंगे, बिल्कुल टूथलेस जाएंगे। इनका हाथ पैर बांध के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का आप अगर फंक्शन कराएंगे तो ये तो फिर बिल्कुल बेमाने हो जाएंगे ना। आप डिले कर सकते हैं, विपक्ष के लोगों से अगर आप बात कीजिए या जो पत्रकार इसको कवर कर रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ, उनसे पूछिए तो उनका यही मानना है कि लगता यह है कि बादशाह की जान तोते में है, इसीलिए बादशाह तोते को बचाने के चक्कर में है कि कहीं तोता ऐसा है कि तोते की अगर पर काटी पर तौली गई तो कुछ ऐसी बातें ना कर दे जिससे परेशानी बढ़ जाए। अब वो तोता कौन है, क्या वो कॉर्पोरेट मैग्नेट हैं या कहीं बड़े साहब हैं या बड़े साहब के इर्द गिर्द लोग हैं, लेकिन ये जरूर है और लोगों का, क्योंकि
और जिस तरीके से हुआ कि आप ये अमूमन होता नहीं है आशुतोष जी कि पार्लियामेंट की कमेटी आपको समन करे और आप एक रात पहले कह दें कि नहीं भाई बड़ी कोई पर्सनल एक्सीजेंसी हो गई है उसकी वजह से मैं नहीं आ सकती, ये असाधारण बात है। और ये मैंने तो मुझे तो इन चीजों का बहुत ज्यादा याद नहीं आता, विनोद जी अगर हो सकता है हम लोगों की और बता सकें इसमें रोशनी डाल सकें, लेकिन ऐसा ये अमूमन होता नहीं है। और क्यों हो रहा है, रोका क्यों जा रहा है, रोकता क्यों है आदमी कोई जब कुछ छुपाने को हो, क्या वजह? अगर वो चले, अगर वो बिल्कुल निर्दोष हैं, पाक साफ हैं जैसे सरकार चाहती है कि हम माने और वो खुद कहती, तो जाए पार्लियामेंट की कमेटी के सामने अपना बयान दें, लोगों के सवाल का जवाब दें, पक्ष पेश करें अपना और चलिए। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें दरअसल राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया उसका नाम है अडानी बचाओ सिंडिकेट, और अपने ट्वीट पे जो एक दिन पहले उन्होंने किया है उस पे कुछ सवाल उन्होंने पूछे। सेबी अध्यक्ष माधवी बुच आईसीआईसीआई से किस बात के पैसे ले रही थी? राहुल गांधी आगे लिखते हैं, अध्यक्ष रहते हुए अनलिस्टेड कंपनीज में शेयर कैसे रख सकती थी? उस कंपनी को स्टार्टअप इंडिया के करोड़ों रुपए क्यों मिले? सरकार किस डर से इस पर कार्रवाई नहीं कर रही? साफ है बुच अडानी के पैसे, उनकी वैल्यूएशन और दूसरे चीजों को वो कहीं ना कहीं बचाने में लगे हुए हैं, और एजेंसियों ने जांच नहीं की, मीडिया ने सवाल नहीं किया, सरकार ने कार्रवाई नहीं की, हमने जांच भी की है, सवाल भी कर रहे हैं, वक्त आने पर कार्रवाई भी होगी। विनोद जी, राहुल गांधी के लिए मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? जी विनोद, राहुल गांधी के लिए मुद्दा इसलिए बन गया बड़ा ये, क्योंकि आप राफेल से लेकर के और ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट तक का जो मामला है, राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है, क्योंकि उन्होंने जब राफेल का मुद्दा उठाया था तब भी उसके पीछे उनका यही उद्देश्य था। और जिस तरह क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी की छवि ईमानदार राजनेता की बनी हुई है प्रधानमंत्री की, तो राहुल गांधी उस छवि को तोड़ना चाहते हैं, और वो उनकी कोशिश है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, इसीलिए वो लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने काफी हद तक उस चीज को पब्लिक डोमेन में लाया, भाई वो 21,000 करोड़ रुपए जो आए वो कहाँ से आए, किस अकाउंट से आए, और बहुत सारी चीजें जो कि आर्थिक विषयों में बहुत ज्यादा मेरी समझ उतनी नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार काफी चीजें उसमें खुलासे हुए। और उसके बाद जब ये माधवी बुच वाला मामला आया, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी, सेबी ने उसमें जो है क्लीन चिट दे दी, तो ये सारी चीजें सामने आई। अब जिस तरह से रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं और कांग्रेस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आज भी पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सुन रहा था उसको, और एक कोई और सेबी के परमानेंट मेंबर हैं, उनकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सारा उन्होंने खुलासा किया है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक चीज समझ में आ रही, जो भी जावेद भाई कह रहे थे कि पार्लियामेंट की कमेटी का वायलेशन इस तरह से मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने किया हो कि बुलाया गया हो नहीं। ये तो है ठीक है, मान लीजिए बुलाया गया, कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो उन्होंने टाइम मांग लिया कि साहब हमको एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए, 10 दिन का टाइम दे दीजिए या 4 दिन का टाइम दे दीजिए, ये तो हुआ है। लेकिन आप जाए ना और लास्ट मोमेंट पे एकदम से कह दें कि हम नहीं आ सकते, ये और पीएससी देखिए जो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी है बहुत सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, एपीसी के बाद अगर दूसरी कोई सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है वो पीएससी होती है। और पीएससी हमें याद है, जावेद भाई को भी याद होगा कि अटल बिहारी सरकार के खिलाफ जो पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था वो पीएससी रिपोर्ट, जो मोटा सिंह जब अध्यक्ष थे और जो कारगिल की तमाम जो ये ताबूत वाला मसला था उसकी सबकी जांच कर रही थी वो, और उसमें डिस्प्यूट हो गया था कि बीजेपी के सदस्यों ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, उन्होंने वैसे ही आधी अधूरी रिपोर्ट जो है सदन को सौंप दी थी बूटा सिंह ने, और उसी पर पूरा हंगामा हुआ और अविश्वास प्रस्ताव आया, चूंकि मैंने रिपोर्ट किया था सारा वो मामला। तो पीएससी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है, और पीएससी इसलिए विपक्ष का वरिष्ठतम सदस्य उसका अध्यक्ष बनाया जाता है पीएससी का, और पीएससी का मतलब ही है चेक एंड बैलेंसेस के लिए वो रिपोर्ट होती है, वो कमेटी होती है। आमतौर पर ज्यादातर कमेटियों के अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष के होते हैं, लेकिन पीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है।
तो वो एक चेक एंड बैलेंस की वजह से, इसलिए कि भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो, और सरकार के तमाम सारे जो वित्तीय मामले हैं और आर्थिक मामले हैं उनका अगर कोई मुद्दा आता है तो उसको सही ढंग से उसकी पूरी जांच और छानबीन हो सके, इसके लिए वो कमेटी है। और उस कमेटी ने अगर उनको तलब किया तो जाना चाहिए था उनका, जैसा जावेद भाई कह रहे हैं कि वो हम भी कह रहे हैं कि अगर आप पाक साफ हैं और आपका पक्ष मजबूत है तो आप जाइए और अपनी बात रखिए, वहाँ स्टेटमेंट ही तो देना है आपको, वो कोई आपका अरेस्ट वारंट थोड़ी जारी कर देगी कि ईडी की तरह कि आप पूछताछ के लिए गए और गिरफ्तार कर लिया गया। पार्लियामेंट कमेटी तो आपका पक्ष लेगी, पक्ष लेने के बाद रिपोर्ट लिखेगी, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इनको जाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्यों नहीं गई। और सरकार, और बड़ी दिलचस्प बात आशुतोष ये है कि अभी तक भ्रष्टाचार के जितने मामले आते थे तो पार्टियां जो हैं वो अपने नेता का बचाव तो करती थी, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया बोफोर्स का आरोप लगा राजीव गांधी पर, तो कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के बचाव में खड़ी होती थी, लेकिन उसमें जो और दूसरे लोग थे जिन पर शामिल थे उसमें, उनका बचाव कांग्रेस पार्टी नहीं करती थी कि वो जो है वो भटनागर साहब और वो विन चड्ढा और मार्टिन अर्दबो और वो जो है क्या नाम था उनका, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे ओलिफ पाल्मे और हिंदुजा बंधु, इनका किसी का बचाव थोड़ी कांग्रेस पार्टी, वो तो राजीव गांधी का बचाव करते थे। बट आपको आपको क्या लगता है विनोद जी, क्यों क्यों ये सेबी प्रमुख है तो है प्रमुख, उससे क्या अगर वो पीएससी के सामने पेश हो जाएंगे तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता पक्ष है उसका ही बहुमत उसमें है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे जिसकी वजह से लगता है कि आसमान फट पड़ेगा अगर वो सामने पेश हो जाएंगे। पेश हो जाएंगे, चार सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब देने होंगे, दे दीजिए जवाब, आपके मुंह में से कोई हाथ डाल के तो नहीं कहेगा ना आप यही जवाब दीजिए या इसी तरीके जवाब दीजिए। नहीं नहीं ये बात देखिए, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है उनको पेश होने में, दिक्कत क्या है अगर वो पाक साफ है और उनका दामन बिल्कुल साफ है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है तो उससे पेश होने में क्या दिक्कत है। लेकिन उनको शायद ये डर होगा कि वो जिस तरह की जो तथ्य सामने आ रहे हैं ना, अब तथ्य तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहे हैं, अब वो तथ्य कोई ऐसा तो है नहीं कि आरोप लगे, जिस तरह के कागज पेश किए जा रहे हैं पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर के दोनों, और उसके बाद जो भी पवन खेड़ा ने तमाम सारे कागज दिखाया आईसीआईसीआई से उनकी जो पेंशन और सारे लेन देन के कागज आए, तो ये सब चीजें तो बिल्कुल तथ्य के रूप में है। अब इन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वहां संसद की कमेटी में जो विपक्ष के सदस्य हैं वो तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, वो तो सवाल जवाब करेंगे, और उस सवाल जवाब में उनको लगता है, क्योंकि वहां क्या है, वहां आप वकील आपका नहीं जा सकता, वहां इन पर्सन उसी व्यक्ति को अपनी बात कहनी होगी जिसको बुलाया जाए, कोर्ट की कोर्ट जैसा मामला नहीं है, कोर्ट में आप वकील खड़ा कर दीजिए, वकील साहब अपना आगे पीछे करते रहे और अपने हिसाब से दलील देते रहे, यहाँ तो उस व्यक्ति को अपना बचाव करना पड़ेगा पार्लियामेंट्री कमेटी में, और जब पार्लियामेंट उसमें उनको शायद ये डर होगा जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सवाल अनकंफर्टेबल सवाल, कुछ विपक्ष ऐसे तथ्यों को रख करके सवाल पूछेगा तो उसका जवाब उनके पास है कि नहीं है, वो अब या तो ये हो सकता है कि वो सारे जवाब तैयार करवा रही हो अपने किसी लीगल से और एक्सपर्ट से, उसके बाद जब अगली बार उनको बुलाया जाए तब वो जाए, जाना तो पड़ेगा, देखिए उसको उनको विनोद जी जाने से पड़ेगा। आपका एक बड़ी दिलचस्प जो राहुल गांधी ने जो वीडियो रिलीज किया है जिसमें पवन खेड़ा उनको सब कुछ समझा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं, पूरा किस्सा बता रहे हैं, उसमें एक जगह पवन खेड़ा ये भी कहते हैं कि उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बात किया है और उससे उनको ये जानकारी मिली है कि दरअसल माधवी बुच जो है वो ब्लैकमेल कर रही है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार कि दरअसल वो एग्जैक्टली क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं। अरीब सर, जो मैंने आई वॉज इन मुंबई सर, वहां जो सुना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि इफ आई गो डाउन आई टेक यू डाउन। आप सोचिए, न इससे डर रही है न पीएससी से डर रही है, तो कौन है, कौन बचा रहा है, कौन बचा रहा है या किसको डरा रही है? ऊपर भी किसी को डरा रही है इसलिए बच रही है सर। ऑल दिस लीड्स टू इट्स नॉट हर टॉकिंग अबाउट, इट्स समबडी एल्स बिहाइंड हर, इसके पीछे मतलब कोई और फोर्सेस है। बिल्कुल। और आप जो शुरू से एक मुद्दा उठा के चल रहे हो सर, ये सारा उस मुद्दे पर ले जा रहा है सर, अदानी हिंडनबर्ग। आई विल शो यू हाउ सर, इफ यू परमिट मी फॉर अ मिनट। पहली बात तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपने कम्युनिकेशन के लिए बड़ी शानदार टीम तैयार कर ली है। देखिए पूरा जिस तरीके से हम लोग वीडियो शूट करते हैं, फिर उसका एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और उसमें बाइट्स होती है, उसमें इंटरेक्शन होता है, उसमें ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, पवन खेड़ा वहां जा रहे हैं, वहां तस्वीर समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
मतलब मस्ट से दैट कि कांग्रेस पार्टी ने काफी कम से कम कुछ सीखा है कम से कम पिछले दिन. बट संजय जी, ये जो पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि भाई माधवी भुज दरअसल सरकार को ब्लैकमेल कर रही है, इसमें कितना दम लगता है आपको? अब ब्लैकमेल कर रही है ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है और ब्लैकमेल करने जैसा मामला नहीं है. भाई देखिए, अगर हम शुरू से देखें तो नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि देश में माने कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार था, लोगों का पैसा विदेश से घूम करके इंडियन कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट हो जाता है और फिर वो लोग काले धन से कमाते हैं और वो पैसा ब्लैक का व्हाइट हो जाता है वगैरह वगैरह, यही इनका आरोप था. और इस केस में 20,000 करोड़ रुपए से जो शुरुआत होती है, इस केस की मोटा मोटी शुरुआत उसी 20,000 करोड़ से होती है, तो ये वैसा ही मामला है कि 20,000 करोड़ किसका है. तो 20,000 करोड़ रुपया अभी के पॉलिटिशियंस का भी हो सकता है, किसी एक आदमी का भी हो सकता है, सबका हो सकता है, पार्टी का हो सकता है. अगर वो किसका पैसा है ये नहीं पता चल रहा है और नहीं बताना है तो उसके लिए सब कुछ किया जाएगा और सब कुछ किया जा रहा है, वो दिख रहा है. और अगर कार्रवाई या एक्शन की बात होती तो जब आरटीआई के तहत पूछा गया कि माधवीपुरी बुच ने कितने मामलों में खुद को अलग कर लिया, तो उसका बहुत ही घटिया जवाब था कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है. भाई माधवीपुरी बुच 1, 2, 3, 5 मामलों में ही तो अलग हुई होंगी, और ऐसा नहीं है कि वो रोज 10, 20, 50 मामलों में कहती होंगी कि हम अलग होंगी, कि उसका हिसाब नहीं है या हिसाब ढूंढना मुश्किल है या हिसाब रखना मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. फिर भी ये भी नहीं बताया गया. इसका मतलब साफ है कि उन्होंने ये कहना कि हम माधवीपुरी बुच का जिस मामले में कनेक्शन था या जिससे रिलेशन था, जिससे उनको अलग रहना चाहिए था, उन्होंने इतना भी नहीं किया है. तो बेसिकली उनको एक काम सौंपा गया था कि अडानी को डिस्टर्ब नहीं करना है या अडानी को कमाने देना है, जो उन्होंने करने दिया हुआ, उसके साथ उन्होंने अपना फायदा भी किया तो उनको भी फायदा हुआ. अब वो फायदा सिर्फ अपने लिए किया कि किसी और को पहुंचाया, वो अलग बात है. तो इस तरह से अगर मैं मिला करके देखूं तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को ब्लैकमेल कर रही है. भाई ये सरकार जिसको बचाती है उसको बचाती है, और उसके लिए आलोक वर्मा को आधी रात को ट्रांसफर कर दिया गया था. तो जैसे बचा रहे, अगर आलोक वर्मा को आधी रात को ट्रांसफर करके किसी को बचाया जा सकता है तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है. और सारी संवैधानिक संस्थाओं को चौपट करने का काम हो रहा है, ये उसी में एक और है. ठीक है, अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल संजय कुमार सिंह जी जिस आलोक वर्मा का जिक्र कर रहे हैं, आलोक वर्मा दरअसल सीबीआई के चीफ थे और उनके पास कुछ फाइलें पहुंची थी और ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद वो अगले दिन को एफआईआर दर्ज करने वाले थे, और रातों रात उनके उस बिल्डिंग पे एक तरीके से छापा पड़ता है और फिर आलोक वर्मा का हटा दिया जाता है, और उसके बाद वो सच कभी सामने नहीं आया. दरअसल क्यों हुआ, किस लिए किया गया और कैसे हुआ. लेकिन संजय जी एक सवाल और भी है, अडानी मामले की अगर जांच की बात करें या हिंडनबर्ग मामले की जांच की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बहुत किसी नतीजे में तो बात पहुंची नहीं थी. यही तो क्यों खींचा जा रहा है इसको? यही तो बात है कि सेबी का काम है कि वो पता लगाए कि इन्वेस्टमेंट ठीक है या किसका है, जो उसके नियम है उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट हो. अब सेबी को उस पर एतराज नहीं है, यही समस्या है. और सेबी को इतराज नहीं है कि माधवीपुरी बुच वहां बैठी हुई है. तो जिस तरह से सभी संस्थाओं पे अपने लोगों को बैठाकर अपने हित में काम कराया जा रहा है, वैसा ही यहाँ भी है. तो वो 20,000 करोड़ रुपए, मैं बाकी सब की बात नहीं कर रहा, माधवीपुरी बुच पे जो एलिगेशन, किसी की बात नहीं कर रहा हूं, वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, और अगर वो इन्वेस्टमेंट गलत है या पता नहीं चल रहा है कि किसका है तो उसको जब्त हो जाना चाहिए. बिल्कुल, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए. तो ये भी नहीं हुआ है, तो अगर ये नहीं हुआ है तो आप 20,000 करोड़ रुपए जिसका भी है उसको तो बचा रही है, अगर वो अडानी का नहीं है तो भी, तो आप उसको बचा रही है. और 20,000 करोड़ रुपए थोड़ा नहीं होता है, अगर हम एक आम आदमी के हिसाब से देखें तो 1 करोड़ रुपए का आज की तारीख में न्यूनतम ब्याज, न्यूनतम सबसे खराब आप सेविंग बैंक में डाल दीजिए तब 50,000 रुपया होगा, और 50,000 रुपया एक घर मध्यम वर्गीय परिवार का एक घर चलाने के लिए पर्याप्त है. तो वैसे 20,000 लोग चल सकते हैं, इतना पैसा है वो, और उस पैसे के लिए अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है इस हंगामे के बाद कि सारा भ्रष्टाचार करप्शन कांग्रेस करती है, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा वगैरह वगैरह, स्विस बैंक से इतना पैसा वापस आ जाएगा कि सबको 15 लाख मिलेंगे वगैरह वगैरह, तो ये कितना बड़ा मामला है इससे समझा जाता है. और माधवीपुरी बुच उसको बचा रही है. बिल्कुल. जावेद भाई, क्या इसका महाराष्ट्र चुनाव से भी संबंधित है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने वीडियो ठीक महाराष्ट्र चुनाव के पहले रिलीज किया है?
देखिए कोई राजनीतिज्ञ, जैसे हम और आप पत्रकार, किसी के किसी की शादी में जाते हैं, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने पे जाते हैं, किसी के यहाँ किसी मैयत के लिए शोक प्रकट भी करने जाते हैं, तो भी एक लाइन देखते रहते हैं कि खबर क्या है, कि कोई इसमें खबर है, कोई न्यूज वैल्यू है, कुछ है कौन, कुछ नहीं तो यही कि भाई कौन आया कौन नहीं आया, यही इतनी ही खबर। वैसे ही जो जो राज जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी पॉलिटिकल मकसद होता है, ये कह देना कि नहीं सिर्फ ये पॉलिटिक्स इसमें नहीं है, लेकिन आप इस चीज को उनके खिलाफ होल्ड नहीं कर सकते ना। ठीक, वो पॉलिटिशियन है, वो तो पॉलिटिक्स करेंगे ही, वो तो मैं उनकी जगह होता मैं तो मूर्खता समझता कि मौके का फायदा नहीं उठा, जब आपके पास मौका है तो उसको पूरा एक्सप्लॉइट कीजिए, लेकिन सच पे आधारित है कि नहीं, उसमें कोई स्मोकिंग गन है, कोई रेड हेरिंग है या नहीं, वो बात। और राहुल गांधी तो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, आज से नहीं, जब लोग कहते हैं कि अरे तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है, पता नहीं कौन सा मुद्दा लेके ये आगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं और रोज कुछ ना कुछ या हर महीने दो चार महीने पे कोई ना कोई नई बात निकलती है। तो अगर इसको महाराष्ट्र पे, अगर उनको महाराष्ट्र चुनाव पे नजर रख के भी अगर उन्होंने किया है तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। पॉलिटिक्स आपका आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर कोई आदमी किसी कमेटी के सामने पेश ना हो तो कमेटी क्या कर सकती है इसमें? कमेटी उनको सम्मान कर सकती है भाई, एक बार दो बार नहीं, उसके बाद स्ट्रिक्चर पास कर सकती है। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये कोई हॉर्टिकल्चर कमेटी नहीं है या एनिमल हस्बेंड्री, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। जैसे विनोद जी ने कहा, आफ्टर जेपीसी सबसे ज्यादा पावरफुल वही है, अगर वो स्ट्रिक्चर पार्लियामेंट्री कमेटी कोई स्ट्रिक्चर पास कर दे तो वो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे, वो बड़ा वजन कैरी करती है, स्पीकर के लिए भी और लोगों के लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी सरकार के उस चीज को व्हाइट वॉश करना था। तो एक दो दिन के लिए कमेटी में तो, बट कमेटी में तो बीजेपी के लोगों का बहुमत है, तो स्ट्रक्चर तो पास हो नहीं पाएगा। नहीं नहीं, तो प्रेसिडेंट तो है ना, चेयरमैन तो विपक्ष का ही है, चेयरमैन विपक्ष का ही है और चेयरमैन की बात को कार्य करता है, या तो चेयरमैन को बिल्कुल सुपरसीड कर दें, चेयरमैन को ये लोग पलट ही दें, तब तक पलट कर दें वो बात दूसरी है, लेकिन मुद्दा तो बन गया ना ये। किसी भी आम आदमी से, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय में, बिल्कुल मैं, मुझे कोई शर्म नहीं करने में इस बात की कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी मुझे भी ये लगता है कि भाई क्यों भाग रहे हैं इससे, अगर कुछ छुपाने को नहीं है और पार्लियामेंट की कमेटी है, कोई ऐसा थोड़ी कि टीवी डिबेट के लिए आपको बुला रहे हैं, वे यू हैव द ऑप्शन कि हम नहीं जाएंगे, तो पार्लियामेंट की कमेटी, द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, आपको सम्मान कर रही है और आप नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्या वजह है, क्या छुपाने हैं? बिल्कुल विनोद जी, आपको क्या लगता है? नहीं, वही मैं भी कह रहा हूँ कि देखिए, अगर वो नहीं जाएंगी तो निश्चित रूप से ये शक फिर गहरा हो जाएगा कि कुछ दाल में काला है। बेहतर तो यही होगा कि वो जा करके अपनी बात रखें वहां पर, और जो सवाल उनसे विपक्ष के सांसद या जो भी सांसद वहां हो वो करें, उसका बिंदुवार जवाब दें, जो उनके पास तथ्य हो, उनके अपने तर्कों से उनकी काट करें, और वो जो रिकॉर्ड होगा, जो स्टेटमेंट उनका लिया जाएगा, वो कमेटी की रिपोर्ट में आएगा। तो इससे बेहतर क्या होगा, वो एक बार नहीं जाएंगे, दो बार नहीं जाएंगे, तीन बार नहीं जाएंगे, तो कब तक नहीं जाएंगे? क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कोई खिलौना तो है नहीं, कि आप जो है कोई RWA का तो मामला नहीं है कि उसमें आप ना जाइए, ये संसद की लोकलेखा समिति है भाई। और जैसा जावेद भाई कह रहे हैं कि अब अगर कोई सरकार बिल्कुल इतना बचाने पर लग जाए कि कोई प्रस्ताव पास करा के अध्यक्ष को या विश्वास प्रस्ताव कर दे और हटा दे, तो फिर सरकार एक्सपोज होगी, फिर सरकार के बारे में लोगों क्या राय बनेगी, सरकार को लेके भी तो लोगों में सब फिर बातें सामने आएंगी, भाई आप वजह क्या है कि एक पूरी कमेटी को ही आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। वरना तो अगर कमेटी के अध्यक्ष मान लीजिए स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे और स्पीकर से कहेंगे कि इनको पेश करवाइए, और नहीं तो कार्रवाई करिए, फिर तो कानूनी तरीके भी है ना उनको बुलाने की, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे बुलाना तो बुला सकती है। तो मुझे लगता है कि बेहतर ही यही है, पता नहीं कौन सलाह दे रहा है उनको माधवी बुश को, जो वो इवेट कर रही हैं वहां पर जाना नहीं जा रही हैं, उनको जाना, मेरे हिसाब से तो उनको जा, भले जो भी उनका पक्ष हो वो रखें। इससे क्या हो रहा है आशुतोष जी, इससे माधवी बुश के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि अब विपक्ष को और मौका मिलेगा, अभी पार्लियामेंट सेशन आएगा, अभी आपका विंटर सेशन जो है शुरू होगा, तो ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस विंटर सेशन में, जो आपका शीतकालीन सत्र होगा, तो उसमें
सरकार के लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा होगा पूरा विपक्ष एकजुट होगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस पर कि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर बुलाया जाए और कोई व्यक्ति ना जाए तो संसद के पार्लियामेंट्री कमेटी एक तरह से मिनी पार्लियामेंट होती है, उसकी अवहेलना उसकी अवमानना जो है संसद के प्रिविलेज के अंदर आता है, वो प्रिविलेज भी उसमें लगता है उसको अवहेलना करना, तो प्रिविलेज भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि देर सवेर जाना तो पड़ेगा उनको, अगर थोड़ी भी समझदारी उनके सलाहकारों में होगी, वरना क्योंकि इवेट करना वैसा नहीं है। अब आप देखिए ना, अरविंद केजरीवाल ने 9 summon ईडी के इवेट किए, लेकिन फिर जाना पड़ा ना उनको, जबकि वो तो एजेंसी है, ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी है। दूसरी बात यह है कि कम से कम सरकार को भी इस मामले में पाक साफ हो करके सामने आना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार कोई उनको संरक्षण दे रही है या सरकार की शय पर वो इवेट कर रही है। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर इसका जवाब देंगे, पार्लियामेंट के अंदर मामला उठेगा, तो ये सरकार को फर्क करना पड़ेगा कि और सरकार को तय करना पड़ेगा कि वो संसद की समिति के साथ है या उनके साथ है। इसलिए ये मामला बड़ा पेचीदा है, उतना आसान नहीं है उनके लिए इसको कि आप एक बार दो बार हो सकता है भाई आप स्वास्थ्य के कारणों से निजी कारणों से न जाए, लेकिन लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा अफोर्ड कर पाएंगी वहां न जाना। बिल्कुल विनोद जी, जावेद भाई और संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर सत्य हिंदी लगातार इस सवाल को उठाता रहा, कहता भी रहा है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट को बीजेपी ने रविश किया, सरकार ने रविश किया, लेकिन अगर उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की अगर ठीक से कायदे से जाँच हो जाती है, जाँच के बाद अगर कहते कि रिपोर्ट फालतू है, फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो शायद लोगों का विश्वास होता कि सरकार जो कह रही है वो सच कह रही है। लेकिन बिना जांच के अगर उसको उसके बारे में कहा जाए कि वो देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रही है तो दिक्कत पैदा। सेबी प्रमुख के मसले में भी बार बार यही कहा जा रहा है कि दरअसल विपक्ष के लोग वो भारत की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर। अब माधवी बुच अगर पीएससी के सामने पेश होती है जो संसद की समिति है, तो क्या संसद की अपनी ही समिति देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके उसको डिरेल करने की कोशिश करेगी? अगर ऐसा है तो भगवान ही मालिक है फिर संसद। देखिए हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो जो है बाकायदा उसको कहा गया कि इसमें रद्दी की टोकरी में जाने लायक है और फर्जी है। मुझे लगता है जिस औद्योगिक समूह पर सवाल उठाए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने, उसके उन्होंने जवाब भी दिए थे, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने फिर जवाब ही उस पर काउंटर भी वो किया था। तो अगर उस रिपोर्ट में वाकई तथ्य नहीं थे और कमजोर थी रिपोर्ट या फर्जी थी तो उस समूह को न्यायपालिका में जाना चाहिए था ना, भारत के सुप्रीम कोर्ट में उस संस्था के खिलाफ उनको मुकदमा दायर करना चाहिए था और अमेरिका तक लड़ते हो तो अमेरिका में तो बहुत कानून सख्त है इस मामले में और कहते हैं कि ये गलत है सारा जो है हमारे हितों के खिलाफ है, उसमें क्या दिक्कत थी? और उसमें फिर भारत सरकार भी उनकी मदद करती कि भाई अगर देश के हित का मामला है कोई और कोई संस्था बाहर बैठ करके देश के हितों के खिलाफ काम कर रही है तो उससे कानूनी लड़ाई लड़ना भी तो जिम्मेदारी है। खाली कह देने से काम नहीं चलेगा ना कि देश के हित के खिलाफ है फलाने के खिलाफ है, आपको फिर एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर कोई संस्था हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने पर लग जाए तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उस संस्था के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बड़ी दिलचस्प बात यह कि जब जी जी कुल मामला ये है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं वो इन्वेस्टिगेट होना है और इन्होंने कहा कि हम डेड एंड पे पहुंच गए, उसके आगे नहीं पता चल रहा है। तो अगर उसके आगे पता नहीं चल रहा है तो लोगों को मान लेना चाहिए कि अब कुछ किया नहीं जा सकता है, यही मुद्दा है। होना यह था कि अगर किसी किसका है नहीं पता है तो सरकार जब्त कर लेती, उनसे कहती कि वापस कर दो जिसका है, तो वो वापस किसको करेंगे जब पता ही नहीं है किसका है। तो बेसिकली ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं और वो जाहिर है किसी खास आदमी के हैं और उस 20,000 करोड़ रुपए को बचाना है या उस ब्लैक मनी को बचाना है, इसलिए सारा कुछ किया जा रहा है और ये कह करके पीछा छुड़ाया जा रहा है कि हम डेड एंड पे पहुंच गए। और यही सुप्रीम कोर्ट से कहा गया इनडायरेक्टली, मतलब बात यही थी कि सेबी को एतराज नहीं है तो क्या जरूरत है बताने का और जनता को क्यों बताया जाए। लेकिन ये सवाल छोटा नहीं है और साधारण नहीं है, मुद्दा ये है असल में और इसी से बचने की कोशिश है। सब कुछ इसके आसपास बुना हुआ है जिससे सरकार बदनाम होगी और होती जाएगी और कहां तक होती है वो देखना है। हालांकि सरकार उसकी परवाह नहीं करती है, आगे भी हम लोग देखते रहे तो वही हो रहा है।
सरकारें जब सरकार में रहती तो परवाह नहीं करती, लेकिन जब सरकारें सरकार में नहीं रहती तब उनको परवाह करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो सरकार आज है वो सरकार अगले 100 साल तक यहाँ बनी रहेगी। आज जो औद्योगिक घराना मजबूत है वो अगले 100 साल तक मजबूत बना रहेगा। आज जो सेबी की चीफ है वो अगले 100 साल तक सेबी चीफ बनी रहेंगी। उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, उनके बारे में कहीं कोई खोजखबर नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कब सरकार चली जाए किसी को पता नहीं होता, कब औद्योगिक घराना जो है वो नीचे पहुंच जाए कुछ पता नहीं होता है, और कब सेबी प्रमुख को अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए कोई पता नहीं होता। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर कंपीएससी अगर उनको पेश करने के लिए बुला रही है, अगर वो ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपनी बातों को करती हैं, रहती हैं, तो उनको पेश होने में किसी तरीके का कोई डर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।